माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए गठित किए गए न्यायिक आयोग की टीम अपने तीसरे दौरे में आज लगातार दूसरे दिन भी संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है। आयोग की टीम ने आज सुबह एक बार फिर से घटनास्थल का मुआयना किया। आयोग के सदस्य करीब 2 बजे घटनास्थल कोल्विन हॉस्पिटल में पहुंचे। आयोग की टीम यहां करीब आधे घंटे तक रही। टीम ने एक बार फिर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई, स्पॉट मैपिंग भी कराई गई। टीम इसके बाद सर्किट हाउस गई और वहां तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए। टीम ने बयान दर्ज करने के लिए 60 से ज्यादा लोगों को समन जारी किया है। बयान 3 दिनों तक दर्ज कराया जा सकता है। आज पहले दिन 20 से ज्यादा लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया है। आयोग की टीम अभी कई दिनों तक प्रयागराज में रहेगी। आयोग को अपनी जांच पूरी कर यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।